वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ यशस सोगी पावरिंग ऑन। आज है जयपुर का डे टू, जो ये ट्रिप सीरीज जो चल रही है आज इसका डे टू है, और आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम जहाँ जा रहे हैं वो जयपुर की मेन जगहें हैं। मतलब जयपुर की जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो यहाँ की सबसे मेन वही तीन है जहाँ पर आज हम जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो है वो है आमेर फोर्ट, सेकेंड इज़ नाहरगढ़ फोर्ट, एंड थर्ड वन इज़ जयगढ़ फोर्ट, राइट। तो तीनों जगह पे हमें आज जाना है और वो बहुत बड़े बड़े मतलब फोर्ट है, तो वहाँ पे टाइम भी जो है वो ज़्यादा लगता है। मेन जो आमेर का फोर्ट है वहाँ हमें जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए सबसे पहले हमने डिसाइड करा है कि मतलब अभी पहले जो है यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद सीधा यहाँ से आमेर के फोर्ट जाएंगे। तो यहाँ से रेलवे स्टेशन से आमेर के फोर्ट जाने के लिए वैसे तो आपको टैक्सी भी मिल जाएंगी जो आपको तीनों फोर्ट घुमा देंगी एक दिन में, और वो 1500 रुपये लेंगी। बट मुझे वो सही नहीं लगा क्योंकि इतना ज़्यादा भी लोकल ट्रांसपोर्ट पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, और अगर आप वैसे भी कोई ऑटो वगैरह या कुछ मतलब नॉर्मल टैक्सी या ओला से भी जाओगे तब भी आपका इतना खर्चा नहीं होगा सिर्फ आने जाने में। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हो तब हम यहाँ रेलवे स्टेशन पर रहे हैं, और रेलवे स्टेशन पर आपको बस मिलेगी 3A नंबर की, 3A। रेलवे स्टेशन से बस पकड़ के आप बड़ी चौपर तक जा सकते हो, और बड़ी चौपर के बाद आपको लेना पड़ेगा एक और बस, वहाँ से आपको मिलेगी, वो मिलेगी सीधा आपको आमेर फोर्ट तक। तो ये जर्नी जो है अभी हमें अभी हम पहुंच चुके हैं आमेर के किले पे। हम आए थे बस से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने बड़ी चौपर से सॉरी रेलवे स्टेशन से बस ली थी बड़ी चौपर के लिए, और बड़ी चौपर के बाद हमने वहां से एक और बस ली थी आमेर के किले के लिए। तो एक जने के 45 रुपीज़ पर पर्सन हमें आमेर के किले तक आने को पड़े, लेकिन यहाँ आना वर्थ है। तो ये है मेन रास्ता अंदर जाने के लिए, मेरा आमेर महल, और ये है यहाँ का मेन एंट्री गेट। तो यहाँ पर तो अभी हमने कोई भी टिकट परचेज करी नहीं है, लेट्स सी अंदर जाके देखते हैं कि टिकट यहाँ पर कितने रुपए की होने वाली है। और यहाँ पे आपको पूरा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस मिलने वाला है क्योंकि आपको बहुत सारे यहाँ से जो है हमारा पैदल ट्रैक शुरू होता है, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ से पैदल ट्रैक के लिए अंदर आते हो, यहाँ पर वॉशरूम्स बने हुए हैं, और यहाँ पर कैफेटेरिया भी है जहाँ पर आप थोड़ा सा सामान ले सकते हो, ताकि आप जब ऊपर ट्रैकिंग करो तो आप थकोगे तो हो, ये ऑब्वियस सी बात है, तो आप खा पी सकते हो, राइट। तो अब यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है और अब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदर आकर आपको ऐसा कुछ व्यू मिलता है। अब ऊपर जाने के लिए मतलब यहाँ पे और भी बहुत सारी जगहें हैं, दीवाने आम है, दीवाने खास है, और कुछ शीश महल है, और भी मतलब 4-5 जगह हैं किले के अंदर जो देखने के लिए बहुत बहुत अच्छी हैं। मतलब तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शायद वहाँ से वो जो सीढ़ियाँ वहाँ पे हैं वहाँ से ऊपर जाना है, और ऊपर जाके देखते हैं कि और हमें ऊपर जाने को क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो ऊपर चलते हैं। ऊपर अगर मिलता कुछ ऐसा व्यू, हम और अंदर आए हैं तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले हमारा टिकट चेक करा। इंडियन स्टूडेंट के लिए 20 रुपये का टिकट है, इंडियन स्टूडेंट के लिए टिकट जो है वो सिर्फ 20 रुपये का है, लेकिन अगर आप इंडियन टूरिस्ट हो, सिर्फ घूमने आए हो, मतलब स्टूडेंट नहीं हो, तो 100 रुपये का टिकट है। थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन तब भी हमने जो लिया, हमने स्टूडेंट वाला टिकट लिया है, तो 20-20 रुपये तीनों का मिला के 60 रुपये का पड़ा। तो ये था मेन गेट जहाँ से हमने अभी एंट्री करी है, और ये है मेन किला। तो ये वाला जो है जो आपको अभी सामने दिख रहा है, ये है दीवाने आम। ये दीवाने आम, यहाँ पर मेनली लोकल जो पब्लिक होती थी वो यहाँ पे बैठती थी, और राजा बैठते थे।
ये वाला जो महल है अब इसके महल में एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। सो दिस इज द एंट्री और हमने एंट्री गेट के अंदर आते ही आपको कुछ ऐसा देखने ऊपर कुछ दीवारों पे मतलब जो पता ही आपको जो पुराने होते थे वो नक्काशियाँ वगैरह अंदर आने के बाद हमें गार्डन देखने को मिलता है। बहुत सुंदर गार्डन एकदम आपको दिखाता है। ये गार्डन होता था उस टाइम पे मतलब अभी भी है। गार्डन से आगे आगे आपको देखने को मिलता है दीवाने खास, जहाँ पर मैंने आपको बताया था जो मेन मेन लोग होते थे राजा और राजा के जो मंत्री होते थे उनकी जो मीटिंग होती थी वो यहाँ पे होती थी। और यहाँ पे दीवाने खास में आप देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे इन्होंने कांच को दर्शाया गया है लाइक जैसे सितारे होते हैं। तो ये था दीवाने खास जैसे कि मैंने आपको बताया और दिखाया भी। और आगे चलते हैं, ये यहाँ से एग्ज़िट है और मैं वहाँ सामने पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मेरे भाई खड़े हैं। तो यहाँ से एग्ज़िट लेते हुए मुझे बस सीधे सीधे जाना है, थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे। और यहाँ से और आप एग्ज़िट ले सकते हो तो फिर सीधा आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे। और यहाँ से एग्ज़िट लोगे तो और सीधा उस साइड निकल जाओगे तो उस साइड और भी शायद कुछ देखने के लिए होगा। तो अभी तक हमने दो चीज़ देखी, दीवाने आम दीवाने खास और इसके अलावा। और आगे चलते हैं और क्या देखने को मिलेगा। ये कोई सुरंग टाइप है, जाल में ताला लगा रखा है। लेट्स सी आगे क्या देखने को मिलता है। नीचे से घूम के हम ऊपर आए हैं और ऊपर भी वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे व्यू हैं पीछे के जो मैंने अभी आपको दिखाया। और ये यहाँ से आप पूरा गार्डन वगैरह देख सकते हो। और ऊपर ये वाला जो दीवाने खास था ये यहाँ पे था, ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हो। और नीचे से जो हम महल देख रहे थे उसका ऊपर का ये वाला व्यू है और अंदर से भी आप यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हो। तो यहाँ पे बस खिड़की है, लोग यहाँ पे अंदर से फ़ोटो ले रहे हैं और एक टेलीस्कोप टाइप यहाँ पे लगा हुआ है। लेट्स सी इसमें देखते हैं क्या दिखता है। लोग देख तो रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या दिखता है। वहाँ पे वो जो वहाँ पे किला है वो शायद जयगढ़ का किला है वो वाला, तो शायद उसका कांटेक्ट का कुछ होता होगा कि इस दूरबीन से वो मतलब देख देख के कांटेक्ट करते होंगे, ऐसा कुछ सेम होता होगा। तो ये जो टेलीस्कोप है इसमें आपको 20 रुपये पर पर्सन का टिकट है पर पर्सन। और वहाँ पे एक राजा का एक फ्लैग है, बहुत दूर है यहाँ से तो दिखेगा नहीं, जिसमें कि 5 कलर आपको नज़र आएंगे। और वहाँ पे उस किले पे जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे लोग चलते हुए आपको नज़र आएंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे जो कैनन होती है, जो तोप होती है, उसकी बनाने की एक फैक्ट्री भी है जो कि जयगढ़ में है। वो मैंने सुना था, जयगढ़ पे जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो तोप बनाने की फैक्ट्री भी आपको यहाँ से दिख जाएगी। तोप दिखेंगी नहीं दिखेंगी इसका कुछ नहीं पता। 20 रुपये मुझे कुछ खास नहीं लगा इसलिए मैं देख नहीं रहा। तो यहाँ पे इतना ही था। और अब जो एग्ज़िट है वो इधर से है, तो यहाँ पे आपको एक CCD भी मिल जाएगा, आराम से आप खा पी सकते हो अगर आप थक गए हो पूरा किला घूमते घूमते। खाने पीने की भी सुविधाएं हैं। और यहाँ पे ये एक अंबर पैलेस शॉप है जहाँ पे आप अंदर जाके ख़रीदारी कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पे जो पुराने क्लोथ्स होते हैं वो शायद यहाँ पे बेचे जाते हैं जो पुराने टाइप के होते हैं। और भी नीचे कई सारी शॉप्स हैं, एक ये है जैसे, और भी नीचे कई सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हो। जैसे ये एक ज्वेलरी शॉप, ये ज्वेलरी शॉप है। सामने कुछ पुरानी चीज़ों की जो शायद कुछ हैंडमेड तो नहीं है बट पुरानी चीज़ों। किस चीज़ की शॉप है अंकल ये? शॉप है ये किस चीज़ की? मूर्तियों की। अच्छा, पुरानी मूर्तियों की। हाँ अच्छा अच्छा, तो ये मूर्तियों की शॉप है, आप अंदर जाके मूर्ति खरीद सकते हो। और बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं इनके पास अच्छी अच्छी। यहाँ से फिर से एग्जिट, देखो पुराने ज़माने के ताले किस तरह के होते थे, ये देखो
इस तरह के होते थे पुराने जमाने के ताले। क्या प्राइस है अंकल इनका? 1500 रुपये एक ताले का। अरे वाह, एक ताले का प्राइस 1500 रुपये, कोई तोड़ भी नहीं पाएगा इन्हें मेरे ख्याल से। अरे वाह, एक बढ़िया चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये कितना बड़ा बर्तन है। इतने बड़े बर्तन में किसका ही खाना बनता होगा यार, कौन खाता, मतलब कि बहुत सारे लोगों का खाना इस बर्तन में बनता होगा। कैमरे में आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि ये कितना बड़ा है, ऐसे देखो कितना बड़ा बर्तन है, बहुत बड़ा बर्तन है। दोनों वो बड़ा वाला है और ये थोड़ा छोटा वाला है। फोटो खींचिए जो भी है। यहाँ पे म्यूज़ियम है और कंटेनमेंट आर्ट गैलरी, आप ऊपर जा सकते हो, ऊपर जाके आप देख सकते हो। शायद अंदर जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे भी गए थे तो वहाँ पे उन्होंने फोटोग्राफी अलाउड नहीं करी थी। और जो मीना बाज़ार मैंने आपको बताया, अंबर पैलेस शॉप, उसकी एंट्री यहाँ से होती है। हम लोग को कुछ ख़रीदना नहीं है तो इसमें हम एंटर नहीं कर रहे, तो चलते हैं फिर आगे। यहाँ पे बहुत सारा सामान है जो आप ख़रीद सकते हो। कुछ इनके पास ये पेंटिंग्स हैं, ये किस कपड़े की बनी हुई होती है ये पेंटिंग? ये होती है सूत के कपड़े की, सूत के कपड़े की बनी हुई पेंटिंग होती है। और वेजिटेबल कलर इसमें यूज करे जाते हैं, सब्जी कलर, भिंडी, टमाटर, मिर्ची। अच्छा अच्छा, इसके हाँ डाल के पेंटिंग बन जाती है। अच्छा, तो कितने रुपए की है ये? 100 रुपए की। 100 रुपए की एक पेंटिंग है, कई सारी है इनके पास। देखो चमत्कारी पेंटिंग है, बिल्कुल कई सारी पेंटिंग है इनके पास। ये राजस्थानी कल्चर है, मतलब वो दिखाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो तो बाद में भिंडी आती है, भिंडी। अच्छा वाला कलर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये घिया लौकी आती है, लौकी मतलब ये कौन सा कलर है? और ये करेले का ही। अच्छा, ये करेले का कलर है। अच्छा, ये बैंगन को, ये वालों, ये बैंगन है, बैंगन का। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, आप ले सकते हो। और यहाँ पे कई सारा सामान है जो राजस्थानी कल्चर को ही, मतलब जो लोग पहनते हैं या जो लोग अपने साथ रखते हैं, तो ये सारा सामान आप यहाँ से ले सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको आमेर का किला दिखाया, आई होप आपको पसंद आया होगा। और जो नेक्स्ट फोर्ट है, जो कि है जयगढ़ का फोर्ट, तो जयगढ़ का फोर्ट मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ये वाली वीडियो जो है, वरना ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कम से कम 15 या 20 मिनट से भी ऊपर पहुँच जाएगी। इसलिए वो वाला जो दूसरा किला है जयगढ़ का, जो हम अभी जा रहे हैं, बट मैं उसे दूसरी वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है? तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप नए हो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि मैं अपने चैनल के स्टैट्स में देखता हूँ बहुत कम लोग, 50-60% लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे मैं और भी अच्छा कॉन्टेंट आपको देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलेंगे आपको दूसरे किले में, दूसरी वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। और ये हाथी आपको पूरा ऊपर तक छोड़ेगा। क्या प्राइस है भैया इसके नीचे से ऊपर तक? 1100 रुपये पर पर्सन, दो जनों के 1100 रुपये ये हाथी लेंगे, और नीचे से आपको पूरा ऊपर तक। कितना टाइम लगता है इसको नीचे से ऊपर आने में? बताए ना, पता नहीं कितना टाइम लगता है। स्पीड देख के तो लग रहा है 50 घंटे तो। स्पीड देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता होगा। लग गया बेचारा, खाने बना दिया। चलो।